मैं रमजानपुरे वार्ड से बोल रही हूँ। आज 20 साल हो गए हैं हमें, हमारे जो इधर के जो एमएलए है, जो पालक मंत्री है, जो चुन के आए, इन्होंने 20 सालों में हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ इनके इनके वार्ड को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करते रहे और आगे भी करते रहे। इनका वार्ड आज अगर हम इनके वार्ड में देखेंगे तो इनका वार्ड में सफाई से लेकर, रोड से लेकर, गटर से लेकर हर चीज की सहूलत है, लेकिन हमारे इस रमजानपुरे वार्ड में इस कदर रोड का मसला है, गटर का मसला है और बच्चों की स्कूल का मसला है, हर चीज का हमारे वार्ड में तकलीफ है। ये 20 सालों से चुन के आने के बावजूद भी इन्होंने हमारे वार्ड में ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इस वार्ड में तमाम ही मुसलमान लोग रहते हैं। इस मुद्दे को इस वजह से इन्होंने हमारे वार्ड पर ध्यान नहीं दिया है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे रोड की हालत इतनी खस्ता है कि अगर हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में ऐसे पूरे कीचड़ में लथपथ होकर, रोज आना कीचड़ में लथपथ होकर आते हैं। और अगर मैयत हो गई, अगर हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में अगर किसी की मैयत हो गई है किसी के यहाँ, तो उसको ले जाने में भी इतनी दिक्कत आती है कि कई दफा ऐसे जनाजा कीचड़ में गिर गया है। और बहुत बहुत बोले तो बहुत खस्ता हाल है इस रमजान पूरे वार्ड का। तो मैं मेरे तमाम ही बहन भाइयों से, बुजुर्गों से और तमाम ही बच्चों से, नौजवानों से गुजारिश करूंगी कि इस जो आने वाला जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में जो आबा हीरे जो हमारा साथ देने वाले है, हम मुसलमानों का ना तो जाति वाति को देखते हुए, तमाम ही मुसलमानों का, हिंदू धर्मों का, सब धर्म को लेकर चलने वाले है, उनका साथ दे। तमाम ही मेरे भाई बहनों बुजुर्गों सबसे मेरी दरखास्त है कि अपनी वोट को जाया ना करे और किसी को पैसे देकर अपनी वोट ना बेचे। अपने वार्ड को और अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को संवारना सिर्फ नौजवानों, मुसलमानों, बहन भाइयों और बुजुर्गों के हाथ में, जो तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे वार्ड को संवारना, तुम्हारी रियासत को संभालना और अपने मालेगांव शहर को तरक्की पर ले जाना, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। और बस मैं मेरे नौजवानों से यही गुजारिश करूंगी कि तुम जो आबा हीरे जो हमारे साथ में खड़े हैं, हम मुसलमानों के साथ है, उनका साथ दो और इन्हें ही चुन कर लाओ। बस मैं इतनी गुजारिश करूंगी। आप कहा रहते हो और 20 साल में आपने किसको वोट दिया और क्या विकासित काम हुआ? हम जो है रमजानपुरे में रहते हैं, ऑटर के इलाके में रहते हैं हम, और हमने दादा भुसे को यहाँ का एमएलए भी बनाया और एमएलए के साथ साथ दादा भुसे जो है मंत्री भी बने, लेकिन इन्होंने जो है ऑटर के अंदर, हम जैसे खास करके देखा जाए तो हमारे रमजानपुरे के अंदर मुसलमानों के इलाकों के अंदर इन्होंने कुछ ही काम नहीं किया। इन्होंने किया उधर के अंदर, लेकिन जो भी किया उधर किया, मुसलमानों का इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आप तुम रमजानपुरे के अंदर देख लो कि इन्होंने एक स्कूल बनाया, कि इन्होंने एक शादी हॉल बनाया, कि इन्होंने एक गार्डन बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। आज रमजानपुरे के अंदर पानी की पाइपलाइन भी अगर आई है तो आज भी रमजानपुरे के कोने में तुम जाकर देख लो, सर्वे कर लो कि रमजानपुरे के पाइपलाइन के अंदर उनको बेचारों को पानी नहीं। आज भी वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नाम को पानी की पाइपलाइन आगे डाले गई है। जबकि उधर की माँ और बहनें मेरे पास आती है, मेरे को बोलती है कि देखो शकील भाई, इधर हमें पानी, हमको पानी नहीं मिलता है। लेकिन मैं कई बार तकरार किया, कई बार कुछ किया, कई बार मैं कॉर्पोरेशन से भी लड़ा और कई बार मैंने किया जो भी करना था, लेकिन थोड़ा बहुत पानी अभी इधर आता है। लेकिन दादा भुसे ने हमारे रमजानपुरे के साथ और हमारे देवी का मल्ला और मालदा, ये मालदा के मुसलमानों के साथ सिर्फ भेदभाव किया है और दूसरा कुछ नहीं किया इन्होंने। आज तुम देखेंगे तो रमजानपुरे का कहीं से कहीं तक विकास नहीं है, लेकिन हम अब दादा भुसे को जो हराएगा हम उसका साथ देंगे, जो दादा भुसे को टक्कर देगा हम उसका साथ रहेंगे। तो हमको बस एक ही आदमी ऐसा लगता है कि दादा भुसे को हराएगा, वो है उदय हीरे साथ। ये दादा भुसे को टक्कर देंगे और हम उनका पूरा पूरा साथ देंगे और आवाम भी हमारे साथ है, क्योंकि इन्होंने कहीं से कहीं तक विकास नहीं किया, पानी की पाइपलाइन नहीं लाया। और अच्छा एक बात ये भी है कि रमजानपुरे के नाम से एक दवाखाना पास हुआ था, लेकिन मेरे को रमजानपुरे में वो दवाखाना नहीं है, जबकि वो दवाखाना उन्होंने जो भी ले गया उधर लेके चले गए। इन्होंने नया रमजानपुरे का कभी विकास किया है कुछ नया? जैसे अभी एक और उम्मीदवार खड़ा हुआ है बंटू काका,
ये बंटू काका खड़े हुए हैं, लेकिन ये बंटू काका सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तरफ क्यों ध्यान दे रहे? इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटेंगे और इसका फायदा, इसका बेनिफिट दादा भुसे लेना चाहता है और ये दादा भुसे ने इनको खड़ा किया है। ऐसे तकलीफ है, इधर गडर उडर कुछ नहीं है, बस घर में पानी भी घुस जाता और खड्डे का पानी बहता तो लोग चिल्लाते भी। हाँ नहीं रोड नहीं बनने वाले, उधर फिर भी 10-20 साल हो रहा है इधर आने। दादा बोलते थे नहीं, अब ये चाहते थे। Thank you.